झारखंड विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। दरअसल झारखंड में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की डिमांड की थी, जिसे हेमंत सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए कहा कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए, बेवजह नई नई मांगे मत लाइए, हम जैसे मजबूत थे वैसे ही बने रहेंगे। बता दें, जब से चुनाव के नतीजे सामने आए थे तभी से कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के किसी नेता को जेएमएम का डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा था कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के जरिए डिप्टी सीएम पद को लेकर आवाज उठाई थी, जिसे हेमंत सोरेन ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अभी देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में किस तरह का समझौता होता है और सरकार कैसे बनती है। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम मित्र गठबंधन ने कुल 56 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की और राज्य में सत्ता बरकरार रखी। वहीं बीजेपी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा।